दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका भाई राकेश अघापुर आपके अपने YouTube चैनल डियर आर के सर इंग्लिश गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा फ्रेजल वर्ब टॉपिक चल रहा था, इससे पहले मैंने आपको पार्ट वन और पार्ट टू दिए, आज हम पार्ट थ्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए पुल और ले से बनने वाले फ्रेजल वर्ब को कवर किया है। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स पे ये फ्रेजल वर्ब मैंने तैयार किए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले पुल, जिस फ्रेजल वर्ब में पुल आएगा आपको पुल को यानी कि ब्रिज वाले पुल पानी वाले पुल से आपको कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है दोस्तों? पुल से कनेक्ट करना है, पानी वाले पुल से। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले पुल फॉर, पुल फॉर, पुल यानी पुल के लिए, फॉर का मतलब के लिए, पुल के लिए हमने समर्थन किया। कितनी शानदार टिक्स बनी दोस्तों कि पुल के लिए हमने समर्थन किया। पुल फॉर का मतलब क्या हो गया? समर्थन करना। अगला देखिए दोस्तों पुल टुगेदर, टुगेदर का मतलब दोस्तों आप जानते हो साथ साथ होता है। क्या होता है दोस्तों? साथ साथ, यानी कि पुल बनाने के लिए हम सब ने साथ साथ मिलकर काम किया। दोस्तों इसका मतलब भी साथ मिलकर काम करना होता है, पुल टुगेदर का, यानी कि पुल बनाने के लिए हम सब ने साथ मिलकर क्या किया? काम किया। दोस्तों कितनी शानदार ट्रिक्स है। अगली देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि पुल अबे, अबे का मतलब मैंने आपको सिखाया था दूर होता है। क्या होता है दोस्तों? दूर होता है। तो पुल माने पुल को, अबे माने दूर से, पीछे हटना। देखो क्या ट्रिक बनेगी इसमें दोस्तों कि पुल को दूर से ही देखकर हम पीछे हट गए, यानी कि जब देखा कि पुल का पानी ओवरफ्लो हो रहा था, बाढ़ आने की नौबत आ गई थी दोस्तों, तो उस समय हमने क्या किया? पीछे हट गए हम सब डर के मारे। अगला क्या है दोस्तों? पुल बैक। अब बैक का मतलब भी पीछे होता है, वापस होता है, इसका मतलब होता है तो पीछे हटना। पुल अबे का मतलब भी पीछे हटना होता है। तो पुल को देखकर हम सभी पीछे हट गए दोस्तों। बैक का मतलब क्या होता है? पीछे। तो पुल को टूटता देखकर हम सभी पीछे हट गए, या पुल को ओवरफ्लो देखकर, यानी पानी जब पूरा उसके भराव क्षमता से ऊपर आ गया तो हम सब क्या हो गए? पीछे हट गए। अगला देखिए दोस्तों पुल इन। अब दोस्तों मैंने इनको आपको लिंक करना सिखाया था, एक तो इन, ये इन वाला इन, और एक इसका मतलब मैं भी होता है, तो आपको यहाँ पे इन से याद रखना है। किसे याद रखना है? इन। पुल हमें इन स्थानों पर पहुंचाता है, यानी कि चुनिंदा स्थान है कुछ कुछ, इन स्थानों पर हमें पहुंचाता है। पुल हमें इन स्थानों पर पहुंचाता है। दोस्तों कितनी शानदार ट्रिक्स बनी। अगली देखिए माय डियर स्टूडेंट्स पुल ऑफ, पुल ऑफ। अब मैंने सिखाया था दोस्तों जहां पे भी ऑफ वर्ड आएगा इसका मतलब क्या होता है? बंद करना। तो ऑफ का मतलब आपको बंद करना से कनेक्ट करना है। तो पुल को बंद करने में आखिरकार हम सफल हुए। तो दोस्तों सफल होना, पुल ऑफ का मतलब सफल होना। तो पुल को बंद करने में हम सभी क्या हुए? सफल हुए। दोस्तों कितनी शानदार ट्रिक्स बनी आपके लिए। अगला देखिए पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब भी होता है दोस्तों सफल होना। पुल थ्रू का मतलब क्या होता है? सफल होना। अब दोस्तों मैंने आपको थ्रू को करेक्ट करना सिखाया था थ्रू आउट से। कई वीडियोस में मैंने इससे पहले आपको बताया था थ्रू को थ्रू आउट से करेक्ट करना है। इसका मतलब होता है शुरू से अंत तक। हम पुल को शुरू से अंत तक, हम पुल को शुरू से अंत तक बनाने में सफल हुए दोस्तों। यानी कि जब से उसका काम स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अंत तक हम उसको बनाने में सफल हुए। पुल को शुरू से अंत तक बनाने में सफल हुए। तो सफल होना इसका अर्थ हो गया दोस्तों। कितनी शानदार ट्रिक्स है। अगला देखिए पुल अप, पुल अप। अब देखिए दोस्तों आपको मैंने आपको दो वर्डों से लिंक करना सिखाया था। एक तो आपको अप से लिंक करना है, अप का मतलब ऊपर से। एक इसी अप को आपको लिंक करना है आप से,
किससे लिंक करना है दोस्तों? आपसे लिंक करना है। अब दोनों से ही हम इस पर ट्रिक बनाते हैं कि पुल के ऊपर से जाने वालों को डांटकर रोका गया, यानी कि जब पुल में पानी ऊपर आ गया था, लोग वहां से अपनी जान पे के लिए निकल रहे थे दोस्तों, तो वहां के जो कर्मी लगाए गए थे सैन्य कर्मी, उन्होंने उनको डांट के रोका। पुल के ऊपर से लोगों को डांट कर रोका गया, तो पुल का मतलब रोकना या डांटना होता है दोस्तों, दोनों ही पार्ट इसमें कवर हो गए आपके। पुल अप यानी पुल के ऊपर से जाने वालों को डांट कर रोका गया। अब दोस्तों इसको हम आपसे कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं? आपसे, यानी कि पुल के ऊपर से आप जब भी जाओगे आपको डांट कर रोका जाएगा, यानी पुल के ऊपर से आप जब भी जाओगे, पुल पर आप जब भी जाओगे आपको डांट कर रोका जाएगा दोस्तों। कितनी शानदार एवं सरल ट्रिक्स है दोस्तों। अगली देखिए, पुल डाउन। अब डाउन को मैंने दोस्तों कनेक्ट करना सिखाया था आपको डाउन से या नीचे से, किससे कनेक्ट करना सिखाया था दोस्तों? डाउन को डाउन से या नीचे से। अब देखो डाउन से इसको कनेक्ट करते हैं कि पुल को डाउन ने ध्वस्त कर दिया, तो पुल डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्वस्त कर देना, तो पुल डाउन ध्वस्त करना। अब इसको नीचे से भी याद कर सकते हैं कि पुल को नीचे से ध्वस्त किया गया, यानी कि कोई बॉम्ब वगैरह लगाया गया उसके नीचे दोस्तों, इस तरीके से उसको तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो डाउन और नीचे दोनों से ही हमने इस पर ट्रिक्स बनाई दोस्तों। पुल डाउन यानी कि ध्वस्त करना, पुल को डाउन ने ध्वस्त कर दिया, या पुल को नीचे से ध्वस्त कर दिया, या पुल के नीचे बॉम्ब लगाकर ध्वस्त कर दिया। किसी प्रकार से दोस्तों आप आराम से याद कर सकते हो। ये आपकी पुल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब हो गई दोस्तों, जो आपको आराम से याद हो गई होंगी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ले से बनने वाली फ्रेजल वर्ब बहुत ही सरल सटीक आपको आराम से समझ में आएंगी। अब देखिए ले, माय डियर स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि ले का मतलब होता है लेटना। ले का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेटना होता है। अब ले को दो वर्डों से लिंक करना है, एक तो लेटना से और दूसरा ले, यानी ले भाई ले, ले का मतलब लेना, टेक वाली लेना। अब ले, ले को ले से कनेक्ट करना है और लेटना से करना। तो देखिए दोस्तों, ले से कनेक्ट करते हैं और लेटना से कनेक्ट करके इसके अंतर्गत आने वाली फ्रेजल वर्ब को ट्रिकली हम आपके समक्ष 5 मिनट में किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, तो देखते रहिए दोस्तों। ले असाइड यानी ए साइड को, मैंने असाइड को तोड़ दिया, ए साइड। ले एक साइड में पैसा बचत करके रख, ले एक साइड में बचत करके पैसा रख, तो ले साइड का मतलब क्या हो गया? बचत करना। कितनी शानदार ट्रिक्स बनी दोस्तों, ले असाइड, ले एक साइड में बचत करके रख, या पैसा बचत कर, कुछ भी बना लो दोस्तों, बहुत ही सरल है। अगला देखिए ले बाई, ले बाई। अब मैंने आपको दोस्तों बाई को कनेक्ट करना सिखाया था, या तो आप इसको भाई से कनेक्ट करो, किससे कनेक्ट करो दोस्तों? भाई से, या इसी का मतलब क्या होता है? भाई यानी के द्वारा। अब इसको दोनों से बनाते हैं कि ले भाई बचत कर, ले भाई बचत कर, यानी कि जो भी सैलरी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, कि ले भाई इनको बचत कर, यानी कि जमा करके रख दे, ये आगे भविष्य के लिए काम आएंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक्स बनी दोस्तों। अगली देखिए ले डाउन, ले डाउन। अब डाउन को अभी डाउन से कनेक्ट करना सिखाया था दोस्तों कि ले, अब तो डाउन ने भी समर्पण कर दिया, यानी कि डॉन ने समर्पण कर दिया, यानी हथियार डाल दिए। डॉन तो डॉन था, लेकिन जैसे ही वो पुलिस के हथकंडे चढ़ा तो उसने भी क्या कर दिया? समर्पण कर दिया दोस्तों। कितनी शानदार ट्रिक्स निकल के आई, ले अब तो डॉन ने भी क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। अगला देखिए ले वन,
वन। अब वन को आपको वन यानी जंगल वाले वन से आपको कनेक्ट करना है, फॉरेस्ट से कनेक्ट करना है कि ले माने ले जाकर, वन यानी वन में बुरी तरह पीटा गया उसे वन में ले जाकर बुरी तरह पीटा गया। दोस्तों बहुत ही इजी ट्रिक्स आपको मिल रही हैं, आपको खोजने से भी नहीं मिलेंगी दोस्तों, बहुत ही सरल सटीक इस प्रकार की भाषा। अगला देखिए ले इन, ले इन इसका मतलब होता है भविष्य के लिए जमा करना, भविष्य के लिए जमा करना। दोस्तों ले का मतलब ले, इन का मतलब इन पैसों को भविष्य के लिए जमा कर, ले इन पैसों को भविष्य के लिए जमा कर, यानी कि एक हस्बैंड दिन भर पैसा कमा के लाया है, शाम को अपनी वाइफ को कह रहा है ले इन पैसों को भविष्य के लिए जमा कर, आगे के समय के लिए काम आएंगे। अगला देखो ले ऑफ, ले ऑफ अब इसका मतलब होता है दोस्तों काम से निकाल देना, काम से निकाल देना। अब दोस्तों ले को दोनों प्रकार से हम सीखेंगे, ले का मतलब लेटना, ऑफ का मतलब बंद। आपने लेटना बंद नहीं किया इसलिए आपको काम से निकाल दिया। आप जब भी काम पे जाते थे वहां जाके आप लेट जाते थे, आपने ऐसा करना बंद नहीं किया इसलिए क्या किया आपको काम से निकाल दिया। ले ऑफ यानी कि लेटना बंद नहीं किया इसलिए आपको काम से निकाल दिया। कितनी शानदार ट्रिक्स हो गई दोस्तों। और आप इसको लेटना, अब आपको ले यानी ले से, ले ऑफ यानी बंद, ले आपने बंद नहीं किया, क्या लेना रिश्वत लेना, ले आपने रिश्वत लेना बंद नहीं किया इसलिए आपको काम से निकाल दिया। अगला देखिए दोस्तों ले आउट यानी कि व्यवस्थित करना। अब देखिए दोस्तों आउट का मतलब क्या होता है, बाहर होता है दोस्तों, तो ले आउट, ले आउट माने बाहर की चीजों को व्यवस्थित कर, ले भाई यानी कि ले पैसा ले जा और बाहर की जितनी भी चीजें आती हैं उनको व्यवस्थित करके ले आ, ले बाहर की चीजों को व्यवस्थित कर। कितनी शानदार ट्रिक्स हो गई दोस्तों। अगला देखिए ले अप, ले अप, अप को आपको दोस्तों दो वर्डों से कनेक्ट करना सिखा दिया था, एक तो ऊपर वाले अप से कनेक्ट करना है, दूसरा आपको अप यानी आप से कनेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों ले अप, ले यानी ले लो, अप माने आप दवाई ले लो नहीं तो बीमारी के कारण काम नहीं कर पाओगे, यानी कि किसी व्यक्ति को जो बीमार पड़ गया है उसके बीवी बच्चे कह रहे हैं कि सुनते हो दवा ले लो, आप दवा ले लो नहीं तो बीमारी के कारण काम नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये था हमारा एक शानदार सा ले और पुल को लेकर के टॉपिक। तो दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।